नमस्कार, स्वागत है आपका मीनाक्षी किचन में। आज मैं शेयर करूंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी। इस चटनी को आप कई तरीके के चाट के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये इमली ली है, करीबन 50 ग्राम इमली है ये। इस इमली की पहले हम गुठलियाँ सारी निकाल लेंगे, बिल्कुल सीडलेस इमली होनी चाहिए ये, और इसको इस तरीके से हम छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। तो अब इस इमली को हमें सोक करना है पानी डालकर करीबन 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए ये और फूल जाए। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप गरम पानी। गरम पानी डालने से ये 1 घंटे में ही सॉफ्ट हो जाएगी और ये अच्छे से फूल जाएगी। तो मैं इसे 1 घंटे के लिए रख दूँगी। करीबन 1 घंटे बाद ये देखिए इमली हमारी सॉफ्ट हो गई अच्छे से और फूल गई है। अब इस इमली को हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए मैं इसे डाल दूँगी मिक्सी के जार में। ग्राइंड करने से पहले आप ध्यान रखें, इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, यानी सीडलेस इमली होनी चाहिए ये। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी और इसकी फाइन पेस्ट बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने इमली को ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हमें छानना है। इमली के पल्प को छानने से जो इसमें रेशे रह गए हैं या हल्की सी गुठलियाँ भी रह गई हों अगर, तो वो सारी निकल जाएंगी। तो मैं इसे छान लूँगी। कुछ ही मिनट लगते हैं इसको छानने में। अगर आप इसे बिना छाने बनाएंगे तो जो रेशे मुंह में आएंगे खाते समय वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो ये देखिए इमली की पेस्ट को मैंने छान लिया है, एकदम स्मूथ पल्प निकल के तैयार हो गया है हमारा। अब थोड़ा पतला कर लूंगी मैं इसे। तो मिक्सी के जार में मैं डाल दूंगी पानी, और पानी को मैं इस छन्नी के ऊपर ही डाल दूंगी, ताकि थोड़ा इमली का अगर सत रह गया हो तो वो भी इसमें चला जाएगा। तो ये देखिए रेशे हमारे अलग हो गए हैं चटनी से, और ये पल्प हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हम इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है गर्म करने के लिए। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून ऑयल। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 पिंच हींग। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी इमली का पल्प जो हमने बना कर रखा है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच ऐड करेंगे सादा नमक, 50 ग्राम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गुड़। गुड़ को छोटे पीसेस में तोड़ के डाल देंगे। 50 ग्राम मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चीनी। बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट लाने के लिए इमली की चटनी में मैंने चीनी और गुड़ दोनों ही ऐड किए हैं। एक बार इनको मिक्स कर लेंगे। गैस को तेज आँच पर रखेंगे और चटनी को पकने देंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच में डालूंगी सौंठ का पाउडर, 1 चम्मच डालूंगी दरदरे कुटे हुए सौंफ। एक बार इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चटनी को अच्छे से हम पकने देंगे। जो साइडों में इसमें झाग आ रही है उसे हम धीरे धीरे हटाते रहेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, ये हल्का तीखा होता है। अब इस इमली की चटनी को हमें पकाना है, थोड़ा थिक करना है इसे हमें, ताकि इसे हम लंबे समय तक स्टोर कर पाएँ। तो ये देखिए काफ़ी थिक हो गई है ये, थोड़ा से मैं और थिक करूँगी ताकि मैं इसे 1 हफ्ते तक स्टोर कर पाऊँ। चलाते रहेंगे इसे बीच बीच में। तो ये देखिए चटनी हमारी काफ़ी थिक हो गई है, ठंडा होने पर ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे मैं ठंडा होने दूंगी। जब चटनी आपकी ठंडी हो जाए तब इसे आप एक जार में भर के फ्रिज में ही स्टोर करें। तो ये देखिए चटनी मेरी ठंडी हो गई थी, ये देखिए काफ़ी थिक हो गई है ये ठंडा होने पर। तो इस इमली की चटनी को आप कई तरीके के चाट के साथ खा सकते हैं, जैसे कि समोसे, टिक्की या दही भल्ले। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।